फोन की बात कही चिराग ने कि भाई साइलेंट पे रखेगा, लेकिन साइलेंट पे होने के बावजूद भी हमारा फोन सब कुछ सुन रहा है, ये हमने सुना देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा ना। और एक वर्ड एआई पेल देते हैं हमारे यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ नहीं है, एआई है, कुछ भी हो एआई है। तो ये सच में, मतलब मैं अगर मैं बताऊं कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो दो दोस्त और मैं बैठा था, वो लोग आपस में बात कर रहे थे ना कि बिजनेस की बात कर रहे थे कि यार बिजनेस करना है, पैसे तो चाहिए, 15 लाख 20 लाख 25 लाख इतने तो चाहिए। तो एक ने कहा यार देख मेरे पास तो 20 लाख है, 20 लाख में हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं यार फिर भी 15 लाख तो चाहिए ही होंगे ना। तो जैसे ही आपने फोन देखा तुरंत दूसरे से एक वीडियो आने लगी, भाइयों बहनों 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, चिंता ना करिएगा। तो मतलब फोन सब सुन रहा है, उसी हिसाब से आपको वीडियो वो फ्लैश करता रहता है, आपको भेजता रहता है। अब दो दोस्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कह रहे तू चूतिया है, तू चूतिया है ना। मैंने कहा क्या कर रहा है यार, दिस इज नॉट गुड यार, एक दूसरे को चूतिया है, तू एक नंबर का चूतिया। मैंने अपना फोन देखा, जस्टिन ट्रूडो की फोटो आया, सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार ये बार बार। मुझे लग गया कि अच्छा सबसे बड़ा चूतिया कौन है, क्या है। मैंने कहा अरे डोंट वरी, तुम लोग चूतिया नहीं हो, है कोई और भी है, यहाँ दुनिया में बैठे बहुत सारे हैं। तो इलेक्शन टाइम में यहाँ पर नेशनल और लेबर की भी हम बात करते हैं कि भाई लेबर जीतेगी या नहीं यार नेशनल जीतेगी, इलेक्शन में कौन जीतेगा। फोन उठाइए, वीडियो में आपको मिलेगा लाइन से वीडियो, अब की बार भी मोदी सरकार। मतलब लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी की वीडियो आएगी उसमें आपको दिखेगी। तो फोन आपका सुन रहा है सब कुछ, बातें सुन रहा है ना। तो एक बार एक हसीन शाम को, संडे की शाम थी, बड़ी रोमानी शाम थी, बारिश हो रही थी, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कोई नई बात नहीं, ऑक्टेंड में बारिश हो रही थी, कौन सी नई बात है। बारिश का मौसम था, मैं और मेरी पत्नी सोफे पे बैठे हुए थे, पत्नी लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, मैंने देखा उनको, उन्होंने कहा व्हाट, के रे नहीं नॉट हियर, लकड़ी के घर होते बेडरूम में। ठीक है चलो, बेडरूम में मैं गया, डिम सी लाइट जलाई, रेडियो ऑन किया, लता जी का गाना आ रहा था, बाहों में चले आओ सनम क्या पड़ता, बड़ा मैं बैठकर लेटा, बीबी भी आई, वो भी लेटी, एक दूसरे के सामने हमने फेस किया। और फिर भाई जो पति पत्नी के बीच होता है इस एज में, आर्गुमेंट शुरू हो गया। पत्नी कहने लगी तुमने बर्तन नहीं धोए, संडे के दिन भी मैं यही काम करूं, वैक्यूम भी मैं ही करूं, ये सब सही नहीं है, क्या कर रहे हो तुम, ये सब सही नहीं है ना, यही मैं करती रहती हूँ दिन भर। तो इस एज में आके, शादी में आकर, जितने भी नेपाली भी बैठे, दो बच्चे भी बैठे, तो ये ऐसा होता है, ऐसे ज्यादा ना सोचने की शादी के बाद बड़ा मस्त होता है, वो तुम लोग की एज में नेपाली भी फोन करके, ये वो फैंटेसी है मेरी, एक मैं तुम्हें एक व्हाइट गांव में देखूं, मूनलाइट बीच हो, सिर्फ मैं और तुम हो, और मैं सूट पहना हूं, मुद्दा है कि सेक्स करना है, लेकिन नहीं उसको गाउन पहना के सूट पहन के, तू चड्डी में क्यों नहीं फैंटेसी बता रहा अपनी भाई, कि चड्डी ही पहन के जाऊंगा। तो फोन सारा सब सुन रहा है ना। तो सुबह उठा मैं, बीवी यू देख रही है मुझे, क्या हुआ, कह रही है कि आपके पास टेंडर का अकाउंट है क्या। अब भाई आपको ना पाप याद आने लगते हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं है, क्यों, आर यू आस्किंग और टेलिंग। कह रही नहीं आस्किंग, ये फोन कह रहा है कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर हस्बैंड, वी हैव सम डिस्क्रीट रिलेशनशिप, यू कैन स्वाइप राइट लेफ्ट, ज्वाइन टेंडर टुडे। मैंने कहा अरे नहीं पागल है क्या तू, ये सब ज्वाइन मत कर, फालतू चीजें क्या तुम्हें दे रहा है। लेकिन अंदर से मुझे खुशी की, मैं भी अपना फोन दौड़ के गया, भाग के गया कि मैं भी अपना फोन देखूं, शायद मुझे कुछ बताया फोन ने कि मैं भी क्या कर सकता हूं। उसमें था कि बर्तन धोने की विधि सुनिए हस्बैंड लोग, ठीक है ना, वैक्यूम कैसे करना है हस्बैंड के लिए बताया गया था कि हस्बैंड क्या कुछ कर सकते हैं और कुछ। मैंने कहा सारा ये तो धोखा हो गया, फोन हमारे साथ तो धोखा कर रहे हैं, गजब बेइज्जती है। तो ऐसी ही शामें गुजरती रही, एक और शाम आई, फिर संडे को, फिर वही सोफा, फिर वही मैं, फिर वही मेरी बीवी बैठी लैपटॉप पे, फिर मैंने देखा, फिर उसने देखा, फिर गए हम बेडरूम में ना। तो बेडरूम में गए और फिर मैंने कहा इस बार ना मैं बीवी को एक जोक सुनाता हूँ, लड़कों का एक जोक है बहुत पेला हुआ लड़कों ने एक जोक। तो मैंने कहा यार पता है एक बार ना एक
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और बॉयफ्रेंड जो है ना बहुत हैंडसम सा होता है, बड़ी अच्छी फिजिक होती है, तो गर्लफ्रेंड उसका शर्ट उतारती है, उसके टैटूज होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है प्यूमा, फिर वो बाइसेप पे देखती है उसपे लिखा होता है ओके, दूसरा लोकेस्ट यहाँ पे लिखा होता है, फिर यहाँ पे लिखा होता है रिबॉक, ऐसे करते करते वो फिर उसको नेकेट कर देती है, जब नीचे जाती है दिखा होता है कि नुन्नू पे एड्स, वो डर जाती है, कहती है तुमको एड्स है क्या, कह रहे नहीं नहीं रुको नुन्नू को नुन्ना तो बनने दो, तो वो एडिडास होता है एक्चुअली। ऐसा नहीं है, दो तीन हफ्ते में तो एक बार वही जाता है, हर बार थोड़ी ना आर्गुमेंट होता है, हुआ चलो। फिर अगले दिन ना फिर बीवी उठी मुझे ढूंढ रही है ना, कह रही आपके पास बंबल है क्या, बंबल का अकाउंट, मैंने कहा आर यू आस्किंग और टेलिंग अगेन ना, नहीं नहीं मैं पूछ, मैंने कहा नहीं नहीं क्यों, कह रही है वही बोल रहा है कि आप अगर अपने पति से खुश नहीं है, डिस्क्रीट रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप बंबल ज्वाइन करें आज ही के दिन, मैंने कहा नहीं पागल है क्या तू, हटा ये सब, ये सब ज्वाइन करके फालतू चीजें होती हैं यार। तो फिर मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी, मैंने कहा यार मैं भी जाकर देखूं मेरे फोन में क्या आया, जैसे ही फोन आया एक बड़ा सा ऐड आया हुआ था कि अगर आप स्वप्न दोष से ग्रसित हैं शीघ्र पतन हो रहा है आपका। स्वप्न दोष जिसे इंग्लिश में हम नाइट फॉल कहते हैं, इसकी समस्या रहती है। जब व्यक्ति को हफ्ते में या महीने में एक बार नाइट फॉल की समस्या हो तो उसे किसी आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मर्दाना कमजोरी से ग्रसित हैं तो आज ही डॉक्टर एस के जैन से मिलें, पुराने बंधे के पीछे लाल कुआं लखनऊ UP 26। थैंक यू वेरी मच।